दोस्तों मुझे ना बहुत सारे फोन और बहुत सारे मैसेज आते हैं और लोग ये बोलते हैं कि हमको डीलर बनना है, फिश फीड का डीलर बनना है, कोई बोलता है कि सीपी का डीलर बनना है, तो डीलरशिप कैसे मिलेगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि फिश फीड का डीलर कैसे बनना है, क्या करना पड़ेगा, आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके अलावा आपको उसमें कितना प्रॉफिट होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, कंपनी को कैसे कॉन्टैक्ट करना है और कैसे डीलरशिप लेना है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, A to Z हर एक चीज में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए, मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों जब भी मुझे कोई फोन कॉल या मैसेज आता है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल या अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो लोग ना हाई लिख के भेज देते हैं। अब हाई लिखने से कुछ नहीं होता। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि आपका पहले सबसे पहले आपको नाम बताना है, आप कहाँ से हो आपको ये बताना है, इसके अलावा फिर आप क्या करते हो ये बताना है। लोग ना बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरा मामा सरपंच है और मेरा चाचा आमदार है, MLA है, पॉलिटिशियन है। इन सब से कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता। आपको अपने बारे में बताना चाहिए। अपने बारे में क्या बताना चाहिए, ये बताना चाहिए आपको अपने बारे में कि आप बेसिकली क्या करते हो, क्या आप एक फिश फार्मर हो, क्या आप फिश फीड के ऑलरेडी कहीं पे डीलर हो, आपका सेलिंग पोटेंशियल क्या होगा, आपके लोकेलिटी में आपके आसपास कितने फार्म्स होंगे, आप साल भर में कितनी सेल्स दे सकोगे, आप कितना इन्वेस्ट कर सकोगे, आपके पास इन्वेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, ऐसी कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताना चाहिए जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि मेरा मामा MLA है या मेरा चाचा सरपंच है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता। ये कंपनी जो होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी जो फीड की कंपनी होती है, वो लोग ये देखते हैं कि आप कितना सेल्स दे सकोगे, उनको उस चीज से मतलब होता है। तो इसीलिए कभी भी अपना एक कंप्लीट प्रोफाइल भेजना चाहिए। आपको प्रोफाइल का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मुझे फिश फीड की डीलरशिप चाहिए होगी और अगर मैं किसी कंपनी को अप्रोच करूंगा तो मैं किस स्टाइल में अप्रोच करूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा कि देखिए, मैं ना ऑलरेडी एक फिश फीड डीलर हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी का डीलर हूँ और इसके अलावा मैं काफी सालों से फिश फीड बेचता हूँ, बहुत सारे फार्मर्स मेरे कॉन्टैक्ट में हैं और मेरी सेलिंग कैपेसिटी क्या है मैं वो बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि मैं अच्छा खासा फिश फीड बेच सकता हूँ और मुझे डीलर बनाने से कंपनी को क्या फायदा होगा, मैं वो उनको शो करूंगा। मैं ये शो नहीं करूंगा कि भाई आपकी डीलरशिप लेने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं ये शो करूंगा कि मुझे अपना डीलर आप क्यों बनाओगे, आपको मुझे डीलर बनाने से क्या फायदा होगा, मैं ये बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि भाई मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं यूट्यूब पे लोगों की हेल्प करता हूँ, इसके अलावा हम लोग फ्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर हम लोग फार्मर्स को बुलाते हैं, फार्मर्स को बुला करके हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। किसी फार्मर की मछली बीमार होती है तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, हेल्प करके उसकी मछलियों को मरने से बचा लेते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं उन लोगों को बताऊंगा। ये सारी बातें ना बड़ाई मारने के लिए नहीं होगी, ये बातें जो होगी ना, ये शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज होगा कि मुझे डीलर बनाने से कंपनी को क्या फायदा होगा। इसके अलावा मैं अपनी कैपेसिटी बताऊंगा कि मैं कितने टन सेल कर सकता हूँ, मैं कितने लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। अब इसमें ना ज्यादा बढ़ाई मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप ज्यादा बढ़ाई मारोगे, ज्यादा बता दोगे ना, तो ज्यादा बताने से कंपनी आपके ऊपर एक बड़ा टारगेट डाल देगी। आप जितनी कैपेसिटी है उतना ही बताना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लाख की है या 20 लाख की है, आप 50 लाख बता दोगे या 1 करोड़ बता दोगे, तो कंपनी आपके ऊपर एक बड़ा बर्डन डाल देगी। वो लोग बोलेंगे कि भैया आपको इतने टन मिनिमम सेल्स देना ही होगा, उसके बाद फिर एक आपको डीलरशिप दी जाएगी। इसीलिए आप जितना कर सकते हो बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब आप फिश फीड का डीलर बनने की सोचो, तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट मार्केट डिसाइड करना होगा कि आप कौन से मार्केट में डीलरशिप लेना चाहते हो और वहां पर आप कैसे इसको बेचोगे। तो यहाँ पर है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि सही मार्केट और गलत मार्केट में फर्क समझना और उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का जो रिटर्न्स होता है ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं मुंबई में अगर शॉप डाल दूं तो यहाँ पर मुंबई में शॉप डाल के मेरा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो फार्म है ही नहीं ना, फिश फार्म, यहाँ पर फार्मिंग होती नहीं, जगह ही नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने जाके पड़गा में शॉप डाला भिवंडी के पास, वहां पर मैंने अपना मार्केट सिलेक्ट किया था। तो वहां पर जब मैंने अपना शॉप डाला, तो शॉप डालने के बाद में मेरा 6 महीने के अंदर मुझे ये समझ में आया कि भैया मैंने भी गलत मार्केट सिलेक्ट कर लिया। जी हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो मेन ब्रांच था ना, फर्स्ट ब्रांच जो पड़गा में था, तो पड़गा में मैंने गलत मार्केट सिलेक्ट कर लिया था। अब गलत मार्केट सिलेक्ट मैंने ऐसे कर लिया कि वहां पर फार्म्स तो बहुत सारे हैं,
लेकिन वहां पर एक मेंटेलिटी है कि वहां पर ना फिश फीड नहीं खिलाई जाती, वहां पर चिकन वेस्ट खिलाया जाता। तो आज भी मेरा जो शॉप है ना वो पड़गा के ऊपर नहीं चलता, क्योंकि मेरा मेन मार्केट पड़गा है, लेकिन पड़गा के ऊपर मेरा शॉप नहीं चलता। हमारी सेल्स पड़गा से नहीं के बराबर है, क्योंकि वहां वाले चिकन वेस्ट खिलाते, कचरा खिलाते, जिसकी वजह से हम लोगों को सेल्स नहीं होती। अब हमारा जो बिजनेस चलता है वो बाहर के मार्केट से चलता है, दूर दूर के मार्केट से हम लोगों के पास फार्मर्स आते हैं और हमारा फिश फीड लेके जाते हैं। तो पड़गा में बेस ब्रांच होने के बावजूद हमारा जो मेन मार्केट है ना, वो मेन मार्केट से हमें कोई बेनिफिट होता ही नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारा जो मेन ब्रांच है, जो मेन मार्केट है हमारा, वहां से हमको बिजनेस आता ही नहीं है। तो हम लोगों को बाहर का मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत टाइम लग गया। इसीलिए आपको हमेशा ये बैकअप प्लान में हमेशा रखना चाहिए कि अगर जहां पर आप अपना शॉप डाल रहे हो या जहाँ की आप डीलरशिप ले रहे हो, अगर वहां से आपका शॉप नहीं चले, आपकी सेल्स नहीं हो, तो आपके पास सस्टेन करने के लिए कितना फंड्स बैकअप में है, आप कितने टाइम तक, 6 महीना, साल भर, आप कितने टाइम में लॉस भी हो तो आप उसको चला सकोगे। क्योंकि देखिए कि कोई भी बिजनेस हो ना, उस बिजनेस को सेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए और प्रॉफिट में आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। जैसे मेरा जो शॉप था, कम से कम 6 महीने तो मैंने जेब से पैसे डाला था और 6 महीने मैंने फिर मतलब एक कोई आता था एक बैग लेके जाता था, कोई आता था दो बैग लेके जाता था, और कभी कभी पूरा दिन एक बैग दो बैग भी नहीं बिका करते थे। तो स्टार्ट के जो 6 महीने थे ना, वो हम लोगों के लिए बहुत टफ थे। तो बहुत टफ सिचुएशंस में क्या होता है कि फिर आपको अपने जेब से भाड़े देने पड़ेंगे, आपको अपने जेब से पगार देनी पड़ेगी, जो सैलरी होती है स्टाफ की वो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सस्टेन करने के लिए कितना बैकअप फंड है आपके पास और कितने टाइम तक आप मार्केट में टिक सकोगे बिना प्रॉफिट के, ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो जब आपने अपना मार्केट सिलेक्ट कर लिया कि आपको इस मार्केट में डीलरशिप चाहिए और यहाँ पर आप अपना ब्रांच या शॉप ओपन करोगे, तो उसके बाद आपको ये सर्वे करना चाहिए, ये समझना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप कौन सा मार्केट में जा रहे हो, क्योंकि वहां पर जो फार्मर्स है ना, वो फार्मर्स क्या टाइप की फिश फीड खिलाते हैं, क्या वो लो कॉस्ट फिश फीड खिलाते हैं या फिर वो अच्छी क्वालिटी का फिश फीड खिलाते हैं। क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं ना, जिनको सस्ता चाहिए, सस्ता 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 करते रहते ना, वो लोग अच्छी क्वालिटी का फीड कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो बहुत महंगी हो जाती है। महंगी इन द सेंस सीधा सीधा प्राइस में 20-30 रुपए का भी फर्क हो जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो ना सस्ती खरीदेंगे, भले उनको ग्रोथ नहीं आए, भले उनकी मछलियां नहीं बड़ी हो, वो लोग लॉस में जाए, लेकिन वो लोग अच्छी क्वालिटी की फीड कभी नहीं खरीदेंगे। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो स्मार्ट फार्मर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल होते हैं, जो बहुत सालों से फार्मिंग करते हैं और जिनको ये समझ में आ जाता है कि अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाना बहुत जरूरी होता है। तो वो फार्मर्स कितने हैं वहां पर जो अच्छी क्वालिटी का फीड खरीदते हैं, तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि आपके एरिया में फार्मर्स क्या मेंटेलिटी के है। उस हिसाब से आपको वैसी कंपनी की डीलरशिप लेनी चाहिए, या तो आप हाई क्वालिटी की फीड लो या तो आप लो क्वालिटी की फीड लो। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि आपके फार्मर्स क्या चाहते हैं। जब आप ये सर्वे कर लोगे ना, तो साथ में ये भी सर्वे करना चाहिए कि कितने फार्मर्स ऐसे हैं जो कचरा खिलाते हैं, पोल्ट्री वेस्ट, चिकन वेस्ट खिलाते हैं, कितने फार्मर्स ऐसे हैं जो राइस ब्रेन, भूसा वगैरह, पाव वगैरह खिलाते हैं, जो फ्री फंड में पालने की कोशिश करते हैं। तो उन फार्मर्स को आप कभी टारगेट नहीं कर पाओगे। तो उनके पीछे मेहनत करना भी बेवकूफी होती है, क्योंकि उनकी एक मेंटेलिटी होती है कि खर्चा नहीं करना है, फ्री में मछली को बड़ा करना है, जो पैसा आ गया उसको बेचना है। वो लोग ये कभी नहीं समझते कि फिश फीड खिलाने से मछलियां जल्दी बड़ी होती है। आपको ये समझना चाहिए कि फीड जो होता है ना, जो दाने आपको जो बेचना है कंपनी के, वो कितने फार्मर्स खिलाते हैं। क्योंकि कुछ फार्मर्स ऐसे होते जो भले लॉस में चले जाएंगे, लेकिन कभी भी फिश फीड के पीछे खर्चा नहीं करेंगे। जब आप अपना मार्केट सिलेक्ट कर लोगे, जब आप अपने कस्टमर्स का सर्वे कर लोगे कि वहां पर किस टाइप के लोग हैं, तो इसके बाद बात आती है कंपनी सिलेक्ट करना। जब कंपनी सिलेक्ट करोगे ना, तो कंपनी बहुत सारी है फिश फीड की, आपको सही कंपनी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक बार जब आप किसी कंपनी का माल ले लोगे, तो फिर आपको उसी के साथ में डील करना पड़ता है, उसी का फीड बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही कंपनी सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर दो टाइप की कंपनीज होती है, एक होती है छोटी कंपनी जिनका फीड है ना थोड़ा सा सस्ता होता है, और कुछ लोगों के पास अच्छी क्वालिटी का भी होता है और कुछ लोगों के पास बहुत लो क्वालिटी का भी होता है। तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना है कि आपको छोटी कंपनी के साथ में काम करना है या बड़ी कंपनी के साथ में काम करना है। क्योंकि छोटी कंपनी के साथ में काम करने के अपने एडवांटेजेस होते और अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसी तरह बड़ी कंपनी के साथ जब आप काम करोगे ना, तो बड़ी कंपनी में कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या फायदे होंगे और आपको क्या नुकसान होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं तो सीपी का डीलर हूँ। अब सीपी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका फीड बेचना ना बहुत आसान है, लेकिन सीपी का फीड बेचना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार दो अलग बातें क्यों बोल रहा हूँ मैं। अब सीपी का फीड बेचना सबसे ज्यादा आसान क्यों है मैं ये बताता हूँ।
सिटी का फील्ड बेचना सबसे आसान इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, इसकी मतलब लोगों के दिमाग में ये अच्छे से भर गया है, छप गया है और लोगों को ये अच्छे से समझ में आता है कि अगर हम सीपी का फीड खिलाएंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। और ग्रोथ बहुत अच्छा आने की वजह से कुछ फार्मर्स ऐसे होते जो कुछ नहीं खिलाते, सिर्फ और सिर्फ सीपी पे ही भरोसा करते हैं, उनको ये विश्वास हो गया कि सीपी का फीड खिलाएंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे। तो इसलिए ना बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीपी का ही फीड खिलाते हैं, भले ही वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। उसी तरह दूसरी तरफ कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनको सस्ता चाहिए सस्ता चाहिए सस्ता चाहिए, महंगे फीड की तरफ वो देखेंगे भी नहीं क्योंकि उनके मतलब पॉकेट में एक होल हो जाता है, जल जाता है पॉकेट, इतने पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे फार्मर्स के पास है ना सीपी का फीड बेचना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है क्योंकि सीपी का फीड बहुत महंगा होता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, अगर हम बात करें क्रम्बल की, तो क्रम्बल जो होता है ना दूसरी कंपनियों का जो क्रम्बल होता है ना वो 40 रुपए का आता है, लेकिन सीपी का क्रम्बल है ना डबल का आता है, लेकिन क्वालिटी में फर्क होता है। अब जो फार्मर क्वालिटी समझता है ना वो सीपी लेता है, और जो फार्मर क्वालिटी को नहीं समझता ना वो दूसरी छोटी कंपनियों में चला जाता है आधे रेट में। और जो बड़ी साइज की फीड जो होती है ना 2 mm 4 mm वगैरह, तो उसमें भी 10-20 रुपए का भी फर्क होता है किलो के ऊपर। जी हाँ, किलो के ऊपर। कुछ कंपनी का फीड आता है 30 रुपए का, तो वहीं पे अच्छी कंपनी का फीड आता है 40 रुपए का, तो किलो पे 10 रुपए यानी कि एक बैग के ऊपर 200 रुपए का फर्क। तो 200 रुपए के फर्क का मतलब पैसा बचाने के चक्कर में ना बहुत से फार्मर्स ऐसे होते, मेजोरिटी फार्मर्स ऐसे होते हैं जो छोटी कंपनियां फिर सस्ती फीड के चक्कर में चले जाते। तो इसीलिए महंगा फीड बेचना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो इसीलिए हमेशा सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, वो कंपनी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, भले वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या फीडबैक हमें मिलेगा अपने फार्मर से अपने कस्टमर से, ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद में बात आती है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। देखिए, अगर आप कोई भी फिश फीड का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक छोटी कंपनी के साथ में काम करते हो, ऑन एन एवरेज आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसी तरफ जब आप एक बड़ी कंपनी के साथ में काम करते हो, तो बड़ी कंपनी के साथ में काम करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर है ना बहुत से लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि यार हमको 1 लाख से शुरू करना है, हम नया शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना 1 लाख 2 लाख या ऐसा कोई मतलब शुरुआत में आप उतना कंपनी आपको माल देगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी से जब आप डीलरशिप लेते हो ना तो पूरा पूरा ट्रक आपको लेना पड़ता है। अब पूरा ट्रक लेने के बाद में ना आपको उतना माल अपने पास स्टॉक करना पड़ता है। आप बोलोगे कि भाई मुझे 50 बैग दे दो 100 बैग दे दो, तो वैसा कंपनी आपको डायरेक्टली कभी नहीं देती। इसका भी एक तरीका है सब डीलर का। अब सब डीलर कैसे बनना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डीलर क्या होता है। तो डीलर जब कंपनी से बनता है ना तो डीलर को पूरी पूरी ट्रक लेनी पड़ती है, उसका एक टारगेट दिया जाता है कि आपको मंथली इतना बेचना है या फिर ईयरली आपको इतना बेचना है, तो वो टारगेट आपको अचीव करना बहुत जरूरी होता है। उसी के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो शायद आपको डिस्काउंट कम मिलेगा, या फिर अगर आपको टारगेट अचीव नहीं करोगे तो हो सकता है कि कंपनी दूसरे डीलर्स भी देखना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि बहुत सी कंपनी के सेल्स वाले घूमते रहते हैं मार्केट में नए नए डीलर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी होती है जो जैसे अगर आप कम इन्वेस्टमेंट का बात करके अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको स्टार्ट करने के बाद पैसों का प्रॉब्लम होगा। अब स्टार्ट करने के बाद पैसों का प्रॉब्लम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, उसका 1 mm भी फीड है, 2 mm भी है, 4 mm भी है, 6 mm भी है, तो आपको हर साइज का थोड़ा थोड़ा स्टॉक में रखना पड़ेगा, क्योंकि कब कौन फार्मर आके क्या साइज का मांगे आपको नहीं पता होता। कभी भी कोई फार्मर आता है और कोई भी साइज मांग के ले जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका 1 mm 2 mm पड़ा हुआ है और आपका 4 mm पूरा के पूरा बिक गया, तो ऐसे में आपको और एक ट्रक मंगानी पड़ेगी, और एक ट्रक। जैसे आपका जो पैसा है ना 1 mm में ब्लॉक है, 2 mm में ब्लॉक है, क्योंकि उसका स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन 4 mm की डिमांड ज्यादा आ रही है और 4 mm का आपका सेल ज्यादा हो गया, तो आपको दूसरा माल मंगाने के लिए पूरा फिर से ट्रक मंगाना पड़ेगा। उसमें आप 100 बैग 200 बैग नहीं मंगा सकते, आपको पूरा के पूरा ट्रक मंगाना पड़ेगा। अब पूरा ट्रक मंगाने के लिए आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा पैसे अपने बिजनेस में। तो ऐसे में बैकअप फंड्स होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि कम से कम 5 से 10 लाख या फिर 15 से 20 लाख आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो बीच में फंस जाओगे, क्योंकि आप क्या होता है कि जैसे कि अगर मेरे पास, मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मेरे पास अगर 2 mm का फीड खत्म हो गया तो कस्टमर और आते ही रहते, 2 mm ही मांगते 2 mm मांगते। तो इसीलिए क्या होता है कि मेरा एक रूल है, थंब रूल, कि मैं माल खत्म होने से पहले सब जब 100-200 बैग मेरे पास बचते हैं ना, तब मैं दूसरा ऑर्डर डाल के दूसरा माल मंगा लेता हूँ। कभी भी ऐसी पोजीशन नहीं होने देने का कि कस्टमर आए और रिटर्न चला जाए। तो ऐसे अच्छे से बिजनेस करने के लिए आपको अच्छे फंड्स की जरूरत पड़ती है।
अब यहाँ पर है ना कुछ लोग पूछेंगे कि ट्रक का साइज क्या होता है, तो ट्रक का साइज होता है ना कम से कम 60 टन का होता है, 17 टन का होता है, 21 टन का होता है या फिर 25 टन का होता है। आप जितना छोटा ट्रक लोगे ना उतना फीड और ट्रांसपोर्ट आपको महंगा पड़ेगा। आप जितना बड़ा ट्रक लोगे ना जैसे 17 टन, 21 टन, 25 टन, जितना बड़ा ट्रक लेते हो ना उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लैंडिंग कॉस्ट सस्ती हो जाती है। अगर आपकी लैंडिंग कॉस्ट सस्ती होगी, आपका कॉस्ट प्राइस सस्ता होगा, तभी तो आप उसको सस्ते में बेच सकोगे। अगर आप ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा पैसा खर्चा कर दोगे तो आपको फिर उसको महंगे में बेचना पड़ेगा, और फीड जो है वैसे ही काफी महंगा हो गया है, आप लोग तो सभी जानते ही हो, तो महंगे को और महंगा करके कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए जितना हो सके उतना बड़ा ट्रक लेना चाहिए, और बड़ा ट्रक लेने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ना एक और बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपको किस कंपनी का डीलर बनना चाहिए और किस कंपनी का डीलर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसी होती ना वो देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी हमारे फेवर में कितना काम कर रही है और कंपनी हमारी कितनी फिक्र कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि कंपनी, जब हम किसी भी कंपनी का डीलर बनते हैं तो हमको कितना एरिया दे रहे हैं, जैसे मान लो कि 100 किलोमीटर दे रहे हैं या 200 किलोमीटर का रेडियस या डायमीटर के हिसाब से दे रहे हैं, या हमको कितना एरिया या डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रहे हैं कि भैया इस डिस्ट्रिक्ट में आप ही डीलर बनोगे, दूसरा कोई डीलर नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिनके ना सेल्स वाले घूमते रहते हैं, और वो सेल्स वाले घूम घूम के उनका सिर्फ यही काम होता है कि दूसरे डीलर नए नए डीलर्स बनाते रहना। जैसे मान लो आज आपको डीलर बना दिया यहाँ पर, उसका सेल्स वाला जो कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो घूमता रहेगा, फिर वो बाजू की गली में दूसरा डीलर बना देगा, 2-4 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा एक डीलर बना देगा, भाई भाई को डीलर बना देते हैं ये लोग, एक भाई डीलर है दूसरा भी भाई डीलर है उसी कंपनी का। तो वैसे क्या होता है ना, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो आपको डीलरशिप के बारे में केयर नहीं करती, उनको सिर्फ और सिर्फ सेल्स देखना होता है कि उनकी सेल्स कितनी हो रही है। तो ऐसी कंपनी का डीलर बनके कोई फायदा नहीं होता। ऐसी कंपनी का डीलर बनना चाहिए जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट दे दे कि भैया इस डिस्ट्रिक्ट में आप डील करोगे, अगर कोई फार्मर आता है या अगर कोई और डीलर बनना चाहता है तो वो आपके थ्रू ही जाएगा। तो ऐसे कोई कंपनी जो होती है ना, जो जिनकी पॉलिसी अच्छी होती है, ऐसी कंपनी के साथ में डीलरशिप आपको लेना चाहिए, ना कि बस ऐसी कंपनी के साथ में जो हर किसी को डीलर बनाते फिर रही हो। फिर क्या होता है पता है, डीलर एक ही कंपनी के डीलर आपस में लड़ते रहते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी से आपको सेल्स में क्या हेल्प मिल रही है। सेल्स में हेल्प है ना बहुत सारी कंपनी से नहीं मिलती, इनफैक्ट मेजोरिटी कंपनी से सेल्स में हेल्प कुछ नहीं मिलता, जीरो हेल्प रहती है, कोई लीड्स नहीं मिलती, कोई कस्टमर नहीं देती कंपनी। इनफैक्ट कुछ कंपनी से मैंने ऐसी भी देखा है कि उनके सेल्स वाले या उनके टेक्निकल स्टाफ हमारे पास आते हैं, हमारे पास आके बैठते हैं, और बैठने के बाद में वो क्या करते हैं कि हमारे जो कस्टमर आते हैं ना, कस्टमर्स हमारे पास जो कस्टमर्स रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, नंबर शेयर कर लेते हैं एक दूसरे का, और उसके बाद में कंपनी में वो नंबर फार्मर का नंबर दे देते हैं। फार्मर का नंबर देने के बाद में कंपनी से डायरेक्टली फार्मर को फोन जाता है और पता चलता है कि वो फार्मर को डायरेक्टली फीड देना चालू कर देते। तो ऐसी जो कंपनीज होती है ना जो इस तरह डिच करती है, तो ऐसी कंपनीज के साथ में तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए जो अपने ही डीलर के फार्मर को छीन ले, अपने ही डीलर के कस्टमर को छीन ले और डायरेक्टली खुद माल देने लग जाए। तो ऐसी कंपनी के साथ में तो बिल्कुल भी डीलरशिप नहीं लेनी चाहिए। तो हमेशा इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। मैं आगे आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अच्छा, बहुत से लोग हैं ना मेरे पास ये उम्मीद से भी आते हैं, क्योंकि उनको ये मतलब ये सोचते हैं कि डीलर हमको इसलिए बनना है क्योंकि दूसरा डीलर बहुत महंगा बेच रहा है। अब डीलर जो महंगा बेच रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में फर्क पड़ जाता है। अब कंपनी सबको सेम रेट में देती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कैसे फर्क पड़ता है, जैसे कि अभी मेरे ही 4 ब्रांचेस है, ठीक है, तो मेरे 4 ब्रांचेस में से जो ब्रांच कंपनी से सबसे ज्यादा नजदीक है ना, मुझे वहां पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम पड़ता है। यहाँ पर समझो फर्स्ट ब्रांच है तो ट्रांसपोर्ट कम पड़ता है, कंपनी उस तरफ है। यहाँ पर जो ब्रांच है उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मुझे थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ब्रांच है उसमें मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ज्यादा पड़ता है। तो इस तरह जितना कंपनी से डीलर दूर होता है ना, उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में फर्क पड़ जाता है, इसीलिए फीड का रेट ज्यादा हो जाता है। अब आप सोचोगे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना पड़ेगा, भैया एक बैग पे 100 रुपए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आसानी से लग जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है कि फीड किस तरह रखा जा रहा है। अब डीलर जो होता है ना, एक डीलर होता है, जैसे हम लोग अभी जो फीड रखते हैं तो हम लोग बहुत ही सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे रखते हैं, एक प्रॉपर गोडाउन है हमारा। प्रॉपर गोडाउन के अलावा हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर है। तो हम लोगों का जो एक्सपेंस होता है ना, वो एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए अब वो एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा 1,000 रुपया फीड में हमारा एक्स्ट्रा हो सकता है। तो अब दूसरे जो डीलर्स होते हैं ना,
तो दूसरे डीलर्स कैसे होते कि ना उनके पास प्रॉपर गोडाउन है, ना उनके पास स्टाफ है, वो बस अपने खेत में रख देते हैं। खेत में कैसे रखते हैं, खेत में भी रखने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर गोडाउन या शेड वगैरह नहीं होता, बस पतरे का कुछ लगा दिया और नीचे पोल्स लगा दिए और नीचे थोड़ा सा खोपा करके उसके ऊपर फीट रख देते हैं। फीट रखने के बाद में ऊपर से तारपोलिन से उसको ढक देते। काम करने के लिए उनके पास लेबर्स नहीं होते, काम करने के पास लिए उनके पास स्टाफ नहीं होता, तो ऐसे में क्या होता है, घर के ही बंदे बच्चों को लोग फिर उठा के लोडिंग के लिए लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग है ना बहुत टफ कंपटीशन देते हैं, और वो लोग चाराने के ऊपर भी अगर मार्जिन रख के बिजनेस करेंगे ना तो उनसे कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने खुद के यूज के लिए मंगाते, खुद के यूज के लिए मंगा के थोड़ी बहुत फिर उसमें से बेचने लगते। अब ऐसे में दूसरे जो प्रोफेशनल डीलर होते हैं ना उनका रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और ऐसे जो फार्मर टाइप के जो डीलर होते हैं ना उनका रेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये इनसे कंपटीशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रेट रेट में फर्क हो जाता है। तो इसीलिए मैंने भी आप लोगों को बताया ना कि डीलर कितने आसपास के लोकेशन में कितनी दूरी पे दूसरा डीलर कंपनी बना रही है, ये देखना और ये समझना और टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर नजदीक में बना देंगे और इस तरह का कोई डीलर अगर बन गया ना तो फिर क्या होता है, आप 10 रुपये कम करोगे तो वो 11 रुपये कम कर देगा, आप फिर 20 रुपये कम करोगे तो वो और कम कर देगा, और 10-20 रुपये अगर आपने कम कर दिए तो उसके बाद में कुछ मार्जिन ज्यादा इसमें बचता ही नहीं है। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि इस काम में क्रेडिट कितना मिलेगा, तो यहाँ पर ना कंपनी से क्रेडिट 1 रुपये का नहीं मिलता। आपको अगर 7 लाख रुपए का माल लेना है तो 7 लाख पूरे देना पड़ेगा, अगर आपको 10 लाख रुपए का माल लेना है तो आपको 10 लाख पूरे देने पड़ेंगे, इसमें 1 रुपये का भी क्रेडिट नहीं मिलता। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बुरा भी लगता है और मुझे हंसी भी आती है इस बात के ऊपर कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने कंपनी से फुल ट्रक लोड लिया, 7.5 लाख रुपए के ऊपर का ट्रक लोड था मेरा। अब 7.5 लाख रुपए के ऊपर का माल अगर कोई खरीद रहा है और उसको अगर 2 रुपए कम पड़ जाए तो आप क्या करोगे? अगर मैं होता ना 200 रुपए भी कम पड़ते ना तो मैं डाल देता एक्स्ट्रा माल, ये नहीं सोचता कि 2 रुपए कम है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, 2 रुपए के लिए मेरा एक बैग निकाल दिया, एक बैग निकाल दिया। अब एक बैग निकालने के बाद में मुझे एक बैग कम आया वहां से, कंपनी से, सिर्फ मेरे अकाउंट में 2 रुपए कम थे, मैंने जो ट्रांसफर किया था उसमें 2 रुपए कम थे। इसलिए अगर हम होते उनकी जगह पर तो 2 रुपए छोड़ देते, 200 रुपए भी होते तो छोड़ देते कि भैया अगर कोई 7-7.5 लाख रुपए का माल ले रहा है तो 2 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपए 200 रुपए क्या मायने रखते उसके सामने, तो हम लोग छोड़ भी देते। लेकिन कंपनी नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती, उसकी भी एक वजह होती है कि वजह क्या होती है कि कंपनी में जो होता है ना डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, लोडिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सिक्योरिटी वाले अलग होते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं ना तो पेमेंट सबसे पहले जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स वाले उसको चेक करते हैं, अकाउंट्स वाले जब देखेंगे कि भैया आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो वो लोग एक वॉक ऑर्डर बनाएंगे या फिर लोडिंग ऑर्डर बनाएंगे या जो भी कंपनी के अलग अलग रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से वो लोग ऑर्डर निकालेंगे कि भैया इस डीलर का इतना पेमेंट आया है। वो पेपर जाएगा आगे, फिर वो आगे जो स्टॉक निकालने वाले बंदे होते हैं वो वहाँ से स्टॉक निकालेंगे, फिर वो पेपर जाएगा आगे, फिर उसके बाद में जो लोडिंग वाले बंदे होते हैं वो लोडिंग देखते हैं, वो लोग चेक करेंगे, फिर उसके बाद में जब बाहर जब सिक्योरिटी मेन गेट से जब सिक्योरिटी की माल जब बाहर निकलता है कंपनी से, वहां पर वजन काटा होता है, वहां पर पूरा चेक किया जाता है कि कितने बैग्स इसमें होने चाहिए, कितना वेट होना चाहिए बैग्स के हिसाब से या ऑर्डर के हिसाब से, कितना वेट है, जब ट्रक आई थी तो कितना लोड था उसके ऊपर, वेट कितना था, जब बाहर जा रही है ट्रक तो उसमें कितना वजन है। तो एक एक चीज कंपनी से बाहर सामान निकालने से पहले चेक होती है, तो इसीलिए वहां पर एक बैग कम या एक बैग ज्यादा आने का कोई चांस ही नहीं होता। तो इसीलिए कोई भी कंपनी हो ज्यादातर क्रेडिट नहीं मिलता, आपको पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और लोगों का ये सवाल होता है कि भैया अगर कुछ माल नहीं बिका तो कंपनी उसको रिटर्न लेगी क्या? तो कोई भी कंपनी हो रिटर्न नहीं लेती। अगर कंपनी के गोडाउन से फैक्ट्री से एक बार ट्रक बाहर निकल गया उसके बाद में अगर आपके पास आ गया और आपने आप उसको नहीं बेच सको तो वो रिटर्न नहीं होगा। डैमेज हो गया, बैग फट गया, फीट डैमेज हो गया, फंगस लग गया या पानी लग गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जब माल आता है तभी निकालने में लोडिंग अनलोडिंग में ही थोड़ा बहुत एक दो बैग फट जाते हैं। अगर 400-500 बैग भी हुए ना तो उसमें से एक दो बैग तो उसमें से लोडिंग अनलोडिंग में फट ही जाते हैं। तो जो डैमेज मटेरियल होता है या नहीं बिका हुआ मटेरियल होता है वो कंपनी रिटर्न कभी नहीं देती। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ डीलर, वो डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसी को उसे बेचना भी है और उसी को उस लॉस को हैंडल भी करना है। अच्छा, कुछ लोग ना ये भी सोचते हैं कि ये काम बहुत अच्छा है, इसमें लॉस नहीं है और इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, डीलर लोग लूट रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, डीलर लोग लूटते नहीं है। फीड की कंपनी से ही फीड महंगा आता है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, डीजल का पैसा इतना बढ़ गया है
जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और उसका फीड का रेट और हाई हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि डीलर लोग लूट रहे और बहुत कमा रहे, ये बात बिल्कुल गलत होती है। तो आप ये सोच के मत आना कि किसी को लूटोगे, और इस काम में ना थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। अब लॉस कैसा होता है, जब कंपनी से बैग आता है तो कंपनी से बैग आने में, गाड़ी से निकालने में, स्टॉक रखने में और उसको वापस से कस्टमर को देने में, लोडिंग अनलोडिंग में कभी कभी कुछ बैग्स फट जाते हैं, तो उसमें आपको उतना लॉस बेयर करना पड़ता है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि चूहे आ जाते हैं गोडाउन में। चूहे तो मतलब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि चूहे गोडाउन में आते हैं, गोडाउन में आने के बाद में गोलियां फाड़ फाड़ के खराब कर देते हैं। अब एक गोनी फाड़ के चूहा अगर उसमें से महीना भर भी खाता रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन चूहों की आदत होती है कि एक गोनी फाड़ के उसमें से नहीं खाते, दूसरी बार दूसरी गोनी फाड़ते, तीसरी बार तीसरी गोनी फाड़ते, तो चूहे गोनी फाड़ते रहते हैं और इस तरह नुकसान थोड़ा बहुत होता रहता है। इसके अलावा सांप अंदर आके बैठ जाता है, सांप बीच में गोनियों के बीच में जाके बैठ जाता है, वो भी नुकसान देता है। फिर कभी कभी फ्लड आ जाता है, पानी से बचाना पड़ता है। पानी से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर थोड़ा सा भी पानी बैग पे रख गया ना, खासतौर पर बरसात के मौसम में गाड़ी जब आती है उसको अनलोडिंग करके जब अंदर रखा जाता है तो पानी से बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर थोड़ा सा भी पानी बैग के ऊपर लग गया ना तो अंदर फीड में फंगस पकड़ लेता है और फिर कस्टमर की कंप्लेंट आती है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। और इसके अलावा कभी कभी अभी जैसे हम लोगों का एक ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरी पूरी ट्रक का लॉस हो गया। पूरी ट्रक एक्चुअली थोड़ा डिवाइडर पे चढ़ा दिया था ड्राइवर ने, पूरी ट्रक उल्टी हो गई, फीड पूरा रास्ते पे गिर गया और पूरा फीड बैग वगैरह फट गए थे, पूरा बैग फट के रोड पे पूरा फीड फीड हो गया था। तो उस ऐसे में ऐसे भी किस्म के लॉस होते हैं, तो ये सब लॉस के लिए भी आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप डीलर बन जाओगे और जैसा लोग सोचते हैं कि डीलर लूट रहा है, लूट के अच्छे पैसे कमा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस काम में भी काफ़ी हद तक लॉस होता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी लेबर की वजह से या लोडिंग जो बंदे अपने कर रहे हैं, अपना जो स्टाफ होता है उनकी वजह से कभी एक हाथ दो बैग एक्स्ट्रा भी चले जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई कस्टमर को 100 बैग जाना है, 100 बैग के बदले अगर 101 या 102 बैग चले गए उसको मिस्टेक से, तो वो कस्टमर फिर प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पर कस्टमर से पेमेंट नहीं मिलती। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो उसका एक्स्ट्रा बैग का पैसा दे देते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना उसका पैसा नहीं देते, जो एक्स्ट्रा बैग मिस्टेक से चला गया उसका पैसा नहीं देते। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर, कि मेरा एक बहुत रेगुलर कस्टमर था, उसको गलती से ना दो बैग एक्स्ट्रा चले गए। अब दो बैग एक्स्ट्रा चले गए, दो बैग एक्स्ट्रा चले जाने के बाद में मैंने उसको फ़ोन किया, क्योंकि हम लोगों को काउंटिंग में मिस्टेक आ रही थी, तो मैंने पहले कैमरे चेक किया तो पता चला कि एक भाई साहब के गाड़ी में ज़्यादा एक्स्ट्रा बैग दो बैग चले गए। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि सर आपके बैग दो एक्स्ट्रा चले गए, तो वो मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने बोला सर रिकॉर्डिंग में बता रहा है कि दो बैग एक्स्ट्रा चले गए, तो भी मानने को तैयार नहीं। फिर मैंने उनको रिकॉर्डिंग की वो भेज दिया कि भाई आप खुद ही देख लो आपके बैग में गाड़ी में दो बैग एक्स्ट्रा चले गए। तो वहाँ पर ना उसके बाद में वो बंदा हमारे पास आना ही बंद कर दिया, हालांकि रेगुलर कस्टमर था, सिर्फ दो बैग लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये के लिए वो बंदा हमारे पास आना ही बंद कर दिया। अब आना बंद कर दिया, आना बंद करने के बाद में उसने क्या किया, हमारा जो दूसरा ब्रांच खोला ना, वो दूसरे ब्रांच पे जाता है और वहां से माल लेता है। यहाँ का पेमेंट उसका जो बाकी है ना, वो उसने आज तक नहीं दिया। दूसरे ब्रांच पे जाके वो वहां से माल ले रहा है और उसको ये समझ में नहीं आया, वो ये सोच रहे होंगे कि ना मुझे पता नहीं चल रहा है। हालांकि वो भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ये बात समझ रहे होंगे कि मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो अगर एक दो बैग एक्स्ट्रा भी चले जाए ना, तो वो रिटर्न कभी नहीं आते या फिर उसका पैसा देने से साफ इनकार कर देते। अब आप देख रहे हो दूसरे ब्रांच से जाके माल ले रहे, लेकिन जिस ब्रांच पे उनका पैसा बाकी है उस ब्रांच पे वो आ ही नहीं रहे, वो ये सोच रहे कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। अब प्रॉफिट मार्जिन ना फीड के ऊपर ज्यादा नहीं होता, मुश्किल से 1 या 2 रुपये आपको किलो के पीछे प्रॉफिट मार्जिन मिलने का चांस होता है, वो भी अगर कस्टमर बड़ा है और ज्यादा स्टॉक ले रहा है तो उसमें भी आपको डिस्काउंट करके देना पड़ता है। तो यहाँ पर ना अगर आप सोचोगे कि भैया लूट लोगे, या जैसे आप लोग बोलते हैं कि डीलर लूट रहा है, तो इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता। इसके पीछे ना एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होता है। आपको अगर गोडाउन रेंट का है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पैसा जो खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्ट में होता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो ना ट्रांसपोर्ट फ्री देती है। अब यार देखो एक बात हमेशा याद रखना कि फ्री ना दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर कंपनी बोलती है कि आपको फ्री ट्रांसपोर्ट देगी, पहुंचा के फ्री देगी, तो फ्री बिल्कुल भी नहीं होता। उसका पैसा पहले से उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर सपोज अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है और अगर आपको फ्री डिलीवरी बोली जा रही है तो 110 रुपये में आपको दिया जाएगा। वो 110 रुपये में फ्री डिलीवरी बोल के देंगे तो उसमें 10 रुपये पहले से ट्रांसपोर्ट का जोड़ दिया जाता है। और दूसरी कंपनी होती है जो 100 रुपये बोलेगी और उसमें 5-7 रुपये 8 रुपये आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा। तो वहां पर ना मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन लोग ये बात समझते नहीं कि फ्री डिलीवरी, फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत एक्सपेंस हो जाता है। लाखों रुपए तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के चले जाते हैं, क्योंकि जो फीड की कंपनी होती ना
फीड की कंपनी दूसरे दूसरे स्टेट में होती है, कभी एक स्टेट दो स्टेट क्रॉस करके भी फीड मंगाना पड़ता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा लेबर का लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बचता नहीं है। जो हाथ में बचेगा वो मुश्किल से किलो पे 1 या 2 रुपया ही बचेगा। तो यहाँ पर ना ऐसे में बात ये आती है कि महीने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो महीने में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माल बेचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 10 बैग 20 बैग 50 बैग या 100 बैग बेचूंगा तो इसमें ज़्यादा कुछ बचत होने वाली है नहीं। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज़्यादा टर्नओवर करना पड़ेगा, ज़्यादा फीड बेचना पड़ेगा, टनों के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हो जाएगा। और याद रखिए कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कोई सपोर्ट नहीं देती। इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो मैंने ऐसी भी देखा हूँ जो अपने ही डीलर के कस्टमर को छीन लेते हो लोग, और छीन के डायरेक्टली उसको डीलर बना के उसको डायरेक्टली फीड बेचना चालू कर दे, अपने ही खिलाफ कंपटीशन खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में अच्छी कंपनी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी को कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए। कंपनी को कॉन्टैक्ट करने के लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनकी वेबसाइट से उनको कॉन्टैक्ट करो। जिस किसी भी कंपनी की आपको डीलरशिप लेना है उस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाओ। वेबसाइट पर वहाँ पर सारे सेल्स के ऑफिस के ब्रांचेस के एड्रेस वगैरह मेंशन होते हैं। वहाँ पर जा करके आप वहाँ देखिए, वहाँ देख करके आप उसको कॉन्टैक्ट कीजिए। बाय आप फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप बाय ईमेल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो आप अपनी डिटेल्स अच्छे से मुझे दीजिए। सिर्फ हाई लिख के मत भेजना, मैं भी हेलो लिख के रिप्लाई कर देता हूँ। तो सिर्फ हाई से काम नहीं चलता, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे ना याद नहीं रहता कि किसने क्या बोला किसने क्या बोला, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए ठीक से मेंशन करना, क्या क्या मेंशन करना, यहाँ पर जो जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपको मेंशन करना है। जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है, आप किस एरिया में रहते हो, आप क्या करते हो, आपका प्रोफाइल क्या है, आप कितना माल बेच सकते हो, आपकी स्टैंडिंग कैपेसिटी, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये छोटी मोटी जो डिटेल्स होती है ना ये सबसे पहले फॉरवर्ड कर देना चाहिए, ताकि कंपनी को आपके अंदर इंटरेस्ट आए। आपको कंपनी में इंटरेस्ट है इसलिए आपको डीलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो कंपनीज होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इनको आप में इंटरेस्ट आना चाहिए तो ये लोग आपको डीलरशिप देंगे। ये लोग हर किसी को डीलरशिप नहीं देते। देखिए जो रेप्यूटेड कंपनी होती है ना, जो जिनकी पॉलिसीज अच्छी होती है, वो जल्दी किसी को डीलरशिप नहीं देते। वो बहुत सोच समझ के देख दाख के डीलरशिप देते। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है ना जो सबको डीलर बना देते हैं, आओ भाई डीलर बन जाओ, आओ भाई डीलर बन जाओ, ये भी डीलर वो भी डीलर, आजू बाजू में डीलर, चार दुकान छोड़ के डीलर, दूसरी गली में डीलर, मतलब हर जगह डीलर बना देंगे। तो ऐसी कंपनी का डीलर बनना बेवकूफ़ी होती है, ऐसी कंपनी का डीलर कभी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने ना सीपी की डीलरशिप लेने के लिए ना बहुत पापड़ बेला, मुझे सीपी की डीलरशिप मिली नहीं रही थी। बहुत कम से कम 2-4 महीने तक मैंने फॉलोअप किया हूँ, पीछे पड़ गया था मैं, फॉलोअप करता था, रेगुलर फॉलोअप करता था, वो लोग मुझे भाव ही नहीं दे रहे थे। फिर 2-4 महीने के बाद जाके ना मुझे उनकी डीलरशिप मिली, काफ़ी फॉलोअप और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद मिली। तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो ना आसानी से किसी को डीलरशिप नहीं दे। अगर आसानी से डीलरशिप दे देगी ना तो हर कोई आसपास में डीलर बन के बैठ जाएगा, और डीलर बन के बैठने के बाद अपने अपने ही आपस में डीलर डीलर कंपटीशन करते रहेंगे। दूसरी कंपनी से दूसरी कंपनी के जो डीलर होते हैं ना उनसे कंपटीशन करना जो है ना आसान होता है, लेकिन अपनी ही कंपनी का जो दूसरा डीलर बन जाता है ना बाजू में, तो उससे कंपटीशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, हम 1 लाख लगाना चाहते हैं, 2 लाख लगाना चाहते हैं, या फिर हम छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में ना आप सब डीलर बन जाओ। सब डीलर क्या होता है कि एक मेन डीलर होता है, मेन डीलर के अंडर में सब डीलर बनता है, तो टारगेट वगैरह जो होता है ना वो मेन डीलर के ऊपर होता है। तो आप सब डीलर बन जाओ। सब डीलर के लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपको डीलर के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर आप मेरे अंडर में सब डीलर बनते हो तो आपको मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, आपको ऑर्डर मुझे देना पड़ेगा, मैं ऑर्डर कंपनी में दूंगा, कंपनी आपको माल भेजेगी, तो बिलिंग जो होगा वो मेरे नाम पे होगा और मैं आपको मेरा बिल दूंगा। तो वैसा होता है सब डीलरशिप। तो उसमें क्या होता है कि आप 1 लाख 2 लाख का भी अगर माल लेना चाहो ना तो आपको 1 लाख 2 लाख का माल मिल जाता है, या फिर अगर मैं अपने पास से भी माल दे दूं आपको और फिर आप उसको बेच सको तो उसको बोलते हैं सब डीलरशिप। तो सब डीलरशिप के लिए आपको अपने लोकल एरिया के डीलर को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कि वहां पर आपका लोकल एरिया डीलर कौन है, आप उसके अंदर में सब डीलर बन सकते हो। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो करेगा, पूरा ट्रक वो मंगाएगा, आपको उसमें से थोड़ा दे देगा, या फिर आप पूरा ट्रक लेना चाहो तो आप पूरा ट्रक भी ले सकते हो उसके अंदर में, और फिर उसके बाद में आप उसको बेच सकते हो। तो ये होती है सब डीलर से सब डीलरशिप। सब डीलर बनना आसान होता है क्योंकि डीलर अपने अंडर में उसको बनाता है, तो डीलर जल्दी बना देता है सब डीलर, क्योंकि उनको भी डीलर्स को भी टारगेट पूरा करना होता है महीने का या साल का, जो भी जितना ज़्यादा सेल्स होती है उतना बेनिफिट होता है कंपनी की तरफ से। तो इसीलिए कोई भी सब डीलर जल्दी से बना देता है।
अगर आप डीलर बनना चाहो या फिर अगर आप सब डीलर बनना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, यहाँ पर जो डिटेल्स आ रही है, इसको आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या क्या आपको डिटेल्स भेजना है, कैसे कांटेक्ट करना है, अपना प्रोफाइल कैसे बताना है, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो इसको अच्छे से देख के फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के मत भेज देना, मैं भी हेलो भेज दूंगा बदले में। ठीक है, थैंक यू।